हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए पिता कि आपने इस योग्य ठहराया। धन्यवाद यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद 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 करते खुदावंत। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों का स्वागत है यीशु भवन चर्च मिनिस्ट्रीज दिल्ली के फेसबुक लाइव पेज पर। और धन्यवाद देती हूँ मैं पिता परमेश्वर का कि पिता ने यह अवसर दिया कि मैं प्रभु की दासी परमेश्वर के आज अगुवाई में होते हुए यीशु भवन चर्च मिनिस्ट्रीज दिल्ली के फेसबुक लाइव पेज पर आपके साथ परमेश्वर का वचन बांटने के लिए मैं आई हूँ। और धन्यवाद देती हूँ मैं पास्टर इमैनुअल मॉर्गन जी का कि उन्होंने मुझे अपने पेज पर परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए निमंत्रित किया। और मैं अपने हृदय की गहराई से अपने भाई का धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि पास्टर इमैनुअल मॉर्गन जी का, उनकी फैमिली को, उनकी मिनिस्ट्री को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे और इसी तरह से वो दिन प्रतिदिन परमेश्वर के कार्यों में, परमेश्वर की सेवा में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले बन सके। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके परमेश्वर की महिमा में चलेंगे। आप सभी भाई बहनों को मैं इस पेज पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर से आप सभी के लिए ब्लेसिंग्स को मांगती हूँ। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ त्रिएक परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं खुदावंत कि पिता आपने ये समय आपने अपनी बेटी को दिया कि पिता परमेश्वर के आपके दास के मन में ये आया कि प्रभु जी आपकी बेटी आज के दिन यीशु राजा आपके नाम का प्रचार करने वाली बन सके। और खुदावंद यीशु राजा, आपने मुझे इस लायक बनाया, इस योग्य बनाया कि मैं आपके वचन को प्रभु जी आपके लोगों तक बांट सकूं। और खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपके कहे हुए वचन के अनुसार यीशु राजा, मैं जाति जाति हर देश देश के लोगों को यीशु राजा आपके नाम से मांग लेती हूँ खुदावंद कि प्रभु जी उन सबको मैं यीशु राजा आपके नाम से मांग लेती हूँ कि पिता परमेश्वर आपके द्वारा उनका उद्धार होने पाए पिता, वो भी आपके राज्य में प्रवेश कर सके खुदावंद। जबकि खुदावंद यीशु मसीह, आज हम प्रभु जी वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आपके वचन से बातचीत करते खुदावंद, आपकी अगुवाई को मैं चाहती हूँ यीशु राजा। ओ पवित्र आत्मा, मेरी सहायता करना ताकि मैं प्रभु के वचन को और प्रभु की बातों को जो प्रभु आज मेरे द्वारा अपने बेटे बेटियों से कहना चाहते हैं, मेरी अगुवाई करिएगा। मेरी देह प्राण आत्मा पर प्रभु जी आपका कंट्रोल रहने पाए। और हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मैं मांग लेती हूँ, आमेन आमेन आमेन। तो आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना में चलेंगे। आप सभी भाई बहनों से मैं विनती करती हूँ कि आप भी परमेश्वर की महिमा के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और एक आवाज में, एक मन होकर, एक चित्त होकर हम परमेश्वर की आराधना को करेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों
वचन है ऐसा जो चिराग सा जलता है, उन पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है, उसके नियम जो माने कभी भी न वो भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे, धरती आकाश दोनों आंखें उठा कर देखो, प्रभु का दिन आएगा, उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जावेगा। जिसने प्रभु को न माना वही एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे, धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे, धरती आकाश दोनों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि हमने अभी गीत में गाया कि धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे, आमीन। और जैसा कि वचन में लिखा है कि हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर एक जीभ उसका अंगीकार करेगी, आमीन। हालेलुया, आइए एक और गीत को हम गाएंगे। और जैसा कि निर्गमन की पुस्तक उसके 15 अध्याय के 2 पद में लिखा है, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है, मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक और गीत को हम गाएंगे और अपने परमेश्वर की आराधना को करेंगे। तू मेरे दिल का है अजी, या मसीह या मसीह या मसीह, तुझ बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह, तू मेरे दिल का है अजी, या मसीह या मसीह या मसीह, तुझ बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह, तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु, तन मन और धन का मालिक तू, या मसीह या मसीह या मसीह, हो दौलत से लोग की, सच्ची दौलत है मेरी, या मसीह या मसीह या मसीह, क्या फायदा होगा सोने से, क्या मौत आए मेरे लिए, पुकारूंगा तब तुझे, या मसीह या मसीह या मसीह, राधे तुझी से है बची, या मसीह या मसीह या मसीह, गोदू वहो या गाऊंगी, या मसीह या मसीह या मसीह, तू सबसे पहले और पीछे, तसल्ली देता है मुझे, तू प्यारा है सब लोगों से, या मसीह या मसीह, तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह, तुझ में नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह, या मसीह या मसीह या
हाँ मेरे प्रियो, कि हमारा यीशु राजा ही है जो हमारे दिल का अजीज है, हमें सबसे प्यारा है, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु है और राजाओं का राजा है। वो आदर के योग्य, महिमा के योग्य व स्तुति के योग्य है। उसने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, इसलिए बनाया, इस पृथ्वी पर इसलिए रखा कि हमारे जीवन के द्वारा हमारे परमेश्वर की महिमा निरंतर होती रहे। आमीन, हालेलुया। आप सबको मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ कि आप सब यीशु भवन चर्च मिनिस्ट्रीज दिल्ली के फेसबुक लाइव पेज पर परमेश्वर की महिमा के लिए जुड़े हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और इससे पहले कि हम वचन की ओर आगे बढ़ें, हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें और अपने चित्त को पूरी रीति से परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं, क्योंकि आज हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हमें अपने प्रभु के किस तरह से योग्य बनना है। अपने आप को जब हम प्रभु हमसे बात करता है तो हम अपने आप का आंकलन साथ के साथ करते रहें कि क्या हम प्रभु के योग्य हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा पिता तो आदर के योग्य, महिमा के योग्य व स्तुति के योग्य है। वो महाराज अधिराज उस सिंहासन पर बैठा है और वो हर समय अपने दृष्टि को स्वर्ग से मनुष्यों पर लगाए हुआ है। वो इस बात की खोज में है कि कौन है, कौन बेटा व बेटी है जो मेरे लायक है, मेरे योग्य है। और हमें आज वचन के द्वारा प्रभु समझाना चाहता है कि कौन बेटा व बेटी मेरे योग्य है जो मेरे साथ, मेरे सिंहासन के निकट मेरे साथ रहेंगे। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम वचन को आगे बढ़ने से पहले, वचन को शेयर करने से पहले एक प्रार्थना रूपी गीत में चलेंगे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे मसीह, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपते खुदावन। मेरी देह प्राण आत्मा पर प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे खुदावन यीशु मसीह। और जितने भी आपके बेटे और बेटियां आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं यीशु राजा, सभी को पिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से उन्हें शुद्ध कर देना खुदावन। अपने लहू से के द्वारा प्रभु जी हम सबको धोना। और खुदावन यीशु मसीह, मैं अपने आप को प्रभु जी, हम सब अपने आप को खाली करते हैं खुदावन, ताकि आपके वचन से अपने आप को भरने वाले बन सके। अपनी अगुवाई देना खुदावन यीशु मसीह, अपनी बुद्धि देना खुदावन, ताकि आपके वचन को हम समझ सके, उस भेदों को जान सके यीशु राजा, जो आज वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमसे बात करने जा रहे हैं खुदावन। हम सबको संभालना, अपनी अगुवाई में लेना खुदावन। और खुदावन यीशु मसीह, सारी विपरीत परिस्थितियों को, सारे साउंड सिस्टम को, लाइट को यीशु राजा, अपने आप को पिता, अपने भाई बहनों को, जितने भी प्रभु जी इस फेसबुक लाइव पर प्रभु जी मेरे साथ जुड़े हैं यीशु राजा, हर एक को यीशु राजा आपके बाड़े में प्रभु जी मैं सुरक्षा के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन। हर एक को छूना खुदावन, और हर एक के हृदयों में पिता परमेश्वर अपनी छाप को लगा देना यीशु राजा।
प्रभु जी मेरी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मैं आपसे मांग लेती हूँ, आमेन आमेन आमेन। तो आइए हम वचन की ओर बढ़े। और जैसा कि मैंने आज अपने इस टॉपिक को लिया है जिसका टॉपिक है कि कौन है परमेश्वर के योग्य। हमारा पिता आदर के योग्य, महिमा के योग्य व स्तुति के योग्य है। तो कौन बेटे व बेटी जो परमेश्वर आज ढूंढ रहा है जो अपने पिता के योग्य है। तो आज हम वचन के द्वारा अपने आप का आंकलन करें, अपने जीवन को उस वचन के अनुसार जो पिता हमसे बात कर रहा है उसके अनुसार अपने आप को, अगर हमें जरूरत है पिता के लिए, हम जो हम योग्य बनना चाहते हैं अपने आप को हम देख सकते हैं। तो आज की रीडिंग इस प्रकार से है, मती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 46 पद से 50 पद तक। मती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 46 पद से 50 पद तक। और अगर आप भाई बहन में से कोई भी ऐसे जन है जो प्रभु के वचन को शेयर कर सके तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वचन को प्रभु के शेयर करें, ताकि सभी भाई बहन उस वचन को भी पढ़ने में उन्हें आसानी हो सके। और नहीं तो आप पवित्र वचन को खोलकर प्रभु के वचन को पढ़ सकते हैं। इसमें इस प्रकार से लिखा है, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस वृतांत को आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के जन के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ एक जगह बैठे हुए थे। और ये स्पष्ट है कि जब यीशु मसीह उन लोगों के साथ बैठे हुए थे तो परमेश्वर के वचन को उनके साथ बांट रहे थे। दूसरी जगह दृश्य ये है कि जिस जगह यीशु मसीह उन लोगों के साथ बैठे हुए थे तो उस स्थान पर, उस जगह से बाहर उसके माता व भाई बाहर खड़े थे। इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह की माता और भाई उस समूह में सम्मिलित नहीं थे। और तीसरा चरित्र यहां पर एक व्यक्ति का है जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को क्या बताया गया कि देख तेरी माता व भाई बाहर खड़े हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन ये भी हम पढ़ पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि यीशु मसीह उठकर वहां से नहीं गए, उस जगह को छोड़कर वहां से नहीं गए, बल्कि उस व्यक्ति के द्वारा कहला दिया गया कि कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई। और जिन लोगों के साथ परमेश्वर यीशु मसीह बैठे हुए थे उनकी तरफ इशारा करके यीशु मसीह ने कहा कि मेरे भाई व बहन, मेरी माता, यही लोग हैं। और आखिरी पद में जो हमने पढ़ा 50वें पद में, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर हम पा सकते हैं कि परिवार का वर्णन दिया गया है। और जैसे कि 46 पद में पढ़ा कि जब वो भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और सब उससे बातें करना चाहते थे। तो हमने वचन में पढ़ा भी है और इसी मती रचित सुसमाचार में हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह के जब वो इस पृथ्वी पर रहा तो उसके भाई कौन कौन थे। आप इसी बुक में मती में 13 अध्याय के 55-56 पद में पढ़ सकते हैं कि जहां पर यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि क्या वह बड़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं। तो यहां से स्पष्ट है कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो उनके और भी भाई थे जिनके नाम यहाँ पर स्पष्ट 55 पद में लिखा है, मत्ती 13 के 55 पद में, कि याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा।
और इसके साथ ये भी वर्णन किया गया है कि यीशु मसीह की बहनें भी थी। और इसी तरह से हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके छठे अध्याय के तीसरे चौथे पद में भी हम देख सकते हैं, मरकुस 6:3-4 वहां पे इस प्रकार से लिखा है, क्या यह वही बड़े ही नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने इसके विषय में ठोकर खाई। अब इससे ये बात स्पष्ट है कि यीशु मसीह जिन लोगों के साथ बातें कर रहा था उस भीड़ में उसका परिवार वहां पर नहीं था। दूसरी चीज हम इसमें ये देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह भीड़ के साथ बातें कर रहा था और उसका परिवार उस भीड़ से अलग था, यानी कि उस भीड़ में वो सम्मिलित नहीं था, इसका मतलब वो परमेश्वर की बातों को नहीं सुन रहा था। तो इस वृतांत से हम ये भी सीख सकते हैं, क्या माता मरियम को नहीं पता था कि जिस पुत्र को परमेश्वर ने उसके द्वारा इस पृथ्वी पर भेजा है तो वो किस उद्देश्य से आया है? क्या उस भीड़ में जब यीशु मसीह बातें कर रहे थे, क्या माता मरियम को नहीं मालूम था कि यीशु मसीह किसके विषय में बातें कर रहे हैं? और जबकि सभी भाई यीशु मसीह के साथ पले हैं, बड़े हैं, तो माता मरियम ने जिक्र भी किया होगा कि यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ। इसका मतलब ये है कि माता मरियम जानते हुए भी परमेश्वर यीशु मसीह के साथ उस भीड़ में सम्मिलित नहीं थी, ये जानते हुए कि यीशु मसीह जो उस भीड़ से बातें कर रहे हैं तो किसके विषय में बातें कर रहे हैं। यानी कि आज हम भी यीशु मसीह को जानते हुए भी उसकी बातों को सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। और यहां तक कि जब ये बात उन्हें मालूम थी, माँ को, यीशु मसीह की माँ माता मरियम को मालूम थी कि यीशु मसीह किस विषय में बातें कर रहे हैं, और ये जानते हुए भी वो बाहर बुला रहे हैं, बाहर उन्हें बुला रहे हैं, तो क्या यीशु मसीह उस समय उठकर चले गए? बल्कि वहां पर यीशु मसीह ने स्थान किसको दिया? उस भीड़ को दिया जो परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए उनके साथ वहां पर उस स्थान पर बैठे हुए थे। तो आज भी हम इस बात से ये भी जान सकते हैं कि हमें भी मालूम है कि यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। आज हम भी ये जानते हुए कि जहां पर प्रचार हो रहा है, जहां पर प्रेयर मीटिंग्स हो रही हैं, वहां पर हम कितना स्थान दे रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, उस स्थान पर हम कितना समय बिताते हैं। और इस बात से हम ये और भी सीख सकते हैं कि मरियम यानी यीशु मसीह का परिवार ने उनके साथ रहते हुए बात को जानते हुए भी उन्होंने सत्य को नहीं जाना। और सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह। और जबकि हम पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 1:18-21 में, जब जहां पर यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया गया है कि यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर क्यों है, क्यों भेजा जा रहा है, परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर क्यों भेज रहे हैं, जहां पर यूसुफ को स्वर्गदूत ने स्वप्न में देखकर बताया था कि हे यूसुफ दाऊद की संतान, तो अपने पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। अब इस बात से स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह के माता पिता को जानकारी थी कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ, लेकिन इस सत्यता को जानते हुए भी उन्होंने परमेश्वर के वचन को स्थान नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर के कार्यों को करते हुए देखते हुए भी वो उस समय प्रभु यीशु मसीह को बाहर बुला रहे हैं।
और दूसरी घटना भी आप देख सकते हैं जहां हम लूका रचित सुसमाचार दूसरे अध्याय के 41-49 पद में पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसके 41-49 पद में जहां पर फसे के पर्व के समय जब उसके माता पिता प्रभु यीशु मसीह जब बालक थे उन्हें यरूशलेम और जाया करते थे और उस समय प्रभु यीशु मसीह की जो उम्र थी जो आयु थी वो 12 वर्ष की थी और जब वापस लौट रहे थे और उन्होंने जब अपने पुत्र को नहीं पाया और जब वो वापस जाते हैं और उन्होंने क्या देखते हैं कि वो वहां पर उस मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे हैं और उनकी सुनते उनसे प्रश्न करते हुए उन्हें पाया। और जब माता पिता यीशु मसीह बालक को देखते हैं तो वहां उन्हें कहते हैं 48 पद में लिखा कि हे पुत्र तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया, देख तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। महाप्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं, उसने उनसे कहा अपने माता पिता से कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते थे, क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। तो इन दो वृतांतों से स्पष्ट है कि माता पिता पहले से जानते थे कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए, लेकिन यहां पर वो परिस्थिति विपरीत है कि जहां पर यीशु मसीह के परिवार को भी उस झुंड में होना चाहिए था बल्कि उस झुंड से वो अलग थे, उन्होंने उस सत्यता को नहीं जाना। प्रभु यीशु मसीह ने उनके परिवार में जन्म लिया परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए, लेकिन इस समय इस घटना के समय वो यीशु मसीह के साथ उस झुंड में शरीक नहीं थे। अगर यही स्थिति आज हमारे परिवार में हो और सभी के परिवार में ये सब बातें होती हैं, हर एक जन हम में से सभी भाई बहन इस बात को आप महसूस कर सकते हैं कि परिवार में चाहे 4 सदस्य हों चाहे 6 सदस्य हों चाहे 3 सदस्य हों चाहे 5 सदस्य हों, हर एक के विचार अलग अलग होते हैं। रोजाना की जिंदगी में अगर आप देखें कि अगर हमारी प्रार्थना का समय होता है तो सभी के विचार एकदम सहमति नहीं आती, चाहे हम कितना भी समय को हम बांध लें कि इस वक्त हमारे घर में आज फैमिली प्रेयर हमारा इस समय होगा, कोई ना कोई एक उस बात में उससे सहमत नहीं होगा, असहमति प्रकट करेगा या वो आपस में ऐसे विचार विमर्श हो जाते हैं कि नहीं इस समय नहीं इस समय, इस समय नहीं उस समय। तो यह हम देख सकते हैं कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में क्या स्थान दे रहे हैं। तो यही परिवार की स्थिति प्रभु यीशु मसीह के परिवार में थी कि जिस झुंड में परिवार को साथ होना चाहिए था परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, वो परिवार परमेश्वर यीशु मसीह का परिवार वहां नहीं था, बल्कि वो बाहर प्रभु यीशु मसीह को बुला रहे हैं। और जैसा कि उस व्यक्ति ने बताया कि देख तेरे माता व तेरे भाई बाहर खड़े और तुझसे बात करना चाहते हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने माता अपने भाइयों का इनकार कर दिया और क्या कहा जिसमें हमने अभी पढ़ा 48 पद में, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई। क्या आज हम अपने परिवार का इनकार करते हैं परमेश्वर के सामने, क्या हम अपने परिवार का इनकार करते हैं। अगर हम किसी प्रेयर मीटिंग में बैठे हो यहां तक कि चर्च में बैठे हो और सबसे आजकल के समय में सबसे हमारा जो विरोधी है वो एक मोबाइल है। हम चर्च जाते हैं कहीं भी प्रेयर मीटिंग में जाते हैं बाइबल ले जाना भूल जाते हैं लेकिन फोन ले जाना नहीं भूलते। आप भी अपने चर्च में अपनी कलीसिया में अपने परिवार में अपने परिवार के सदस्यों को भी देख सकते हैं कि अगर हम कहीं प्रेयर मीटिंग में जाते हैं तो हम बाइबल नहीं ले जाते बल्कि मोबाइल ले जाते हैं
अगर चर्च में हम बाइबल भी ले जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम परमेश्वर पर एहसान कर रहे हो। अगर बाइबल ले जाते हैं तो बेंच के साइड पर, हमारे साइड पर वो पड़ी रहेगी, पासवान हमारे हमारे प्रेसबिटर इंचार्ज, हमारे पादरी साहब, कोई भी परमेश्वर का दास वचन को बांट रहे हैं वहां पर, तो बाइबल को हमें खोलने के लिए भी समय नहीं है, उसमें भी हम कोताही बरतते हैं। क्या है हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान? क्या आज जब हम अपनी नौकरियों पर जाते हैं और जहां हमें ऑफिस में जिस चीज की जरूरत होती है, क्या वो हम घर में छोड़ के जाते हैं? वहां पे हमें अधिकारियों का डर है, अपने कार्य का डर है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नौकरी पर कोई ऐसी बात आ जाए, लेकिन हमें परमेश्वर का भय नहीं है। युद्ध में तो जाते हैं लेकिन हथियार ले जाना भूल जाते हैं, और हमारा हथियार तो हमारा ये वचन है जो दोधारी तलवार के समान है। तो कैसे हम प्रभु ईश्वर के योग्य बन सकते हैं? कैसे हम परमेश्वर को स्थान दे सकते हैं? कौन सी ऐसी बातों के द्वारा हम परमेश्वर का स्थान दे सकते हैं? तो इसी वृतांत में हमने ये सीखा, प्रभु ने मुझे ये सिखाया कि यीशु मसीह की मां होते हुए भी, उसके भाई होते हुए भी उस झुंड में शरीक नहीं थी जहां यीशु मसीह उस भीड़ को उपदेश दे रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे, बल्कि उस भीड़ से उन्हें बाहर बुलाने की उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा। लेकिन वो भूल गए कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए। और यीशु मसीह ने अपनी माता का, अपने भाइयों का इनकार कर दिया कि कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई, बल्कि उन्होंने 49 पद में ये कहा, अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। कौन है जो उस समय यीशु मसीह के साथ उस भीड़ में शरीक थे, यीशु मसीह की बात को सुन रहे थे? आज मेरे प्रियो, ये बात मेरे मन में आई है इसी समय कि प्रभु यीशु मसीह आप सबके लिए भी ये कह रहे हैं। जितने भी भाई बहन इस समय फेसबुक लाइव पर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यही मेरी माता है, यही मेरे भाई व बहन है, जो मेरे परमेश्वर, जो मेरे पिता की आवाज को सुन रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर क्या कि प्रभु ने हमारे मन को इतना नम्र किया, दीन किया, अपने प्रेम को हमारे मनों में भरा कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता का। तो यीशु मसीह ने उस समय उस भीड़ को देखकर कहा, ये है मेरे माता और यही है मेरे भाई व बहन। इसके बाद 50वें पद में लिखा है, क्योंकि जो कई, अब माता और भाई बहन क्यों कहा उसमें? इसलिए कहा क्योंकि रीजन बताया, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, यानी कि स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेगा वही मेरी माता है, वही मेरे भाई व वही मेरे बहन है, जो मेरे पिता स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि हम, क्या हम सभी अपने परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं? परमेश्वर ने तो हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया ताकि हम उद्धार पा सकें, लेकिन आज भी हम परमेश्वर से बहुत सी बातों को कहते हैं। आज भी हम परमेश्वर से एक तरह का बिजनेस सा करता, डीलिंग सा करते हैं कि प्रभु यीशु राजा, परमेश्वर यदि आप हमारे लिए ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा कर दूंगा या कर दूंगी। आज भी हम परमेश्वर से एक व्यापार बिजनेस चला रहे हैं। अभी भी हम उससे ये मांगते कि प्रभु तू ऐसा कर देना। क्या हमारा परमेश्वर हमें, हमारे परिवार को, हमारे सगे संबंधियों को, हमारे प्रियजनों के विषय में नहीं जानता कि हमें क्या चाहिए? सिर्फ एक भौतिक वस्तुओं की लिस्ट हमारे हमेशा तैयार रहती है। क्या हम बिना भौतिक वस्तुओं के लिस्ट के बिना परमेश्वर के पास आते हैं उसे धन्यवाद देने के लिए?
परमेश्वर को हमारी वो भेंट, हमारे वो बड़े बड़े पद, जो शायद हम परमेश्वर पे एक तरह का एहसान करते हैं कि परमेश्वर मैंने इतना दान देता हूँ, मैं इतना दशमांश देता हूँ, मैं इतना प्रचार करता हूँ, मैं इतनी गरीबों की सहायता मदद करता हूँ, तो शायद हम ये सोचते हैं कि ये सब कार्य करके हमें स्वर्ग में जाने का वीजा मिल गया है। नहीं मेरे प्रियो, जो कुछ भी हमारे पास है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। हम इस योग्य नहीं कि हम अपने आप से कुछ कर सकें। हम मनुष्य को नहीं मालूम कि अगले पल क्या होगा। हमारा परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता, वो हमें चाहता है, हमें उसने अपने समानता और स्वरूप पे रचा है। वो चाहता है कि हम अपने जीवन के द्वारा उसके नाम की गवाही को दे सकें, ताकि हम मत्ती 28 के 18-19 पद को अपने जीवन में उतार सकें कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ सभी जातियों को, सुसमाचार सुनाओ और चेले बनाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम कुछ वचनों के द्वारा हम सीखेंगे कि हमारा परमेश्वर किस तरह से हमें चाहता है कि हम उसके योग्य बन सकें। हम में से कौन है जो हम परमेश्वर के योग्य हैं, परमेश्वर के काबिल हैं, परमेश्वर की इच्छा पर हम चलने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसके 37 पद में, उसमें योग्यता का वर्णन है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में कैसा स्थान देते हैं, कि हमारे जीवन में परमेश्वर क्या क्या स्थान है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 37 पद में लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। हम हर समय अपने परिवार की चिंता किए रहते हैं, हर समय अपने पिता को स्थान हम नहीं देते, बल्कि पिता को पीछे रखते हैं, अपनी जरूरतों को, अपने परिवार को आगे रखते हैं। कभी भी हमारे कॉलेज में या फ्रेंड्स के बीच में जब भी कोई ऐसा डिस्कशन होता है जो अपने परिवार में परमेश्वर से ज्यादा अपने परिवारजनों को स्थान देते हैं, एक्सक्यूज मी, और एक दूसरे से हम इतना कहते हैं कि हाँ मैं अपने मम्मी को, पापा को, अपने भाई बहनों को, अपने फ्रेंड्स को बहुत ही प्यार करता हूँ या करती हूँ, और कोई भी ऐसा अजीज जब हमारे जीवन से, इस संसार से रुखसत कर जाता है, प्रभु में सो जाता है, तो इतना हम प्यार दिखाते तो क्या हम उसके लिए अपना प्राण दे सकते हैं? क्या हम उसके बिना अपने जीवन को नहीं गुजारते? हमारे प्रभु यीशु मसीह से बड़ा कौन हो सकता है जो हमारे लिए अपना प्राण दे दे? ऐसा मित्र, ऐसा भाई हमें नहीं मिल सकता। लेकिन हम परिवार को ज्यादा स्थान देते हैं। तो यहां प्रभु के वचन ने आपको क्लियर बता दिया कि जो माता या पिता या बेटा बेटी को मुझसे ज्यादा प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। ये तो परिवार की बात हो गई। यहां तक कि हम अपनी चीजों की महत्ता ज्यादा देते हैं। जिसने हमें सारी चीजें दी है इस पृथ्वी पर, हमारी सुख सुविधाएं, वो ही सुख सुविधाएं हमें परमेश्वर के प्रेम में बाधक बन जाती हैं। परमेश्वर का स्थान पीछे चला जाता है। जब भी कोई वस्तु हम अपने घर में लाते हैं, खरीदते हैं, प्रभु यीशु राजा आपके नाम से हमने खरीदी है, इन सब की इस्तेमाल आपकी महिमा के लिए हो, पहला हमारा सेंटेंस यही होता है। लेकिन बाद में क्या होता है? क्या उन सभी चीजों का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए हो पा रहा है? क्या परमेश्वर ने जितनी हमें आशीषें दी हैं उसमें से हम दूसरों की हेल्प कर पा रहे हैं? ऐ हमारे पिता की प्रार्थना हम डेली बोलते हैं, उसमें हम एक वाक्य यही बोलते हैं ना कि आप गरीबों की सहायता करें,
तो परमेश्वर हमसे ये पूछना चाहता है कि आज हमारे पास जितनी आशीषें हैं हम क्या कर रहे हैं। उसने आशीषें हमें दी है दूसरों को बांटने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए। आज हम कितनी किसकी हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारे ही पेट नहीं भरते, हमारा ही मन नहीं भरता, हमारी इच्छाएं अभी तक खत्म नहीं हो रही, जिसकी हम अपनी इच्छाओं को इतना पूरा करना चाहते हैं कि हम दूसरों की जरूरतों को हम नहीं देख पाते। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर इसलिए रखा ताकि जो सुख सुविधाएं हमारे पास है, परमेश्वर ने जो आशीष हमें दी है, परमेश्वर का हम धन्यवाद दें इस बात के लिए और दूसरों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहें। और हम दूसरे वचन को हम देखेंगे, इसी अध्याय के 38 पद में लिखा है कि कौन प्रभु की इच्छा पर चलता है, कौन उसके योग्य है। द पर्सन हु लिफ्ट्स द क्रॉस, द पर्सन हु लिफ्ट्स द क्रॉस, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। वो परमेश्वर के योग्य नहीं जो क्रूस लेकर प्रभु के पीछे ना चल पाए। क्रूस का अर्थ वो तमाम परीक्षाएं हो सकती हैं, प्रभु के वचन को सुनाने में, प्रभु के कार्यों को करने में बहुत सी बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं, आ सकती हैं, और हम बहुत से प्रभु के दास दासियों को देखते हैं जब वो प्रभु के प्रचार के लिए वो जगह जगह जाते हैं तो कितनी यातनाओं को वो सहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने जरा सी भी कोई ऐसी परीक्षा आ जाती है, हम पीछे हट जाते हैं। तो वहां वचन में परमेश्वर ने साफ लिख दिया कि जो क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं, क्योंकि प्रभु ने जब हमें इस पृथ्वी पर भेजा है आराम करने के लिए नहीं, सुख सुविधाओं में रहने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए, उसको फैलाने के लिए। जो भी परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं उसका हम सामना करने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर ने मती में जैसे कि 28:20 में जैसे कि मैंने पढ़ा कि परमेश्वर ने क्या यीशु मसीह ने कहा है कि मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। तीसरे वचन को हम देखेंगे भजन संहिता उसके 16 अध्याय के 3 पद में कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पर चलने वाले कौन है, उसके योग्य कौन है जो पवित्र है। द पर्सन हु इज होली, भजन संहिता 16 अध्याय उसके 3 पद में। भजन संहिता 16 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। पृथ्वी पर जो लोग पवित्र हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उनसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। पवित्र, पवित्र का अर्थ आप वचन में और भी पढ़ते हैं, जैसे कि प्रभु ने कहा कि तुम भी पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें आवश्यकता है अपने जीवन को पवित्र बनाए रखने के लिए। पवित्र हम किस तरह से बनाए रख सकते हैं, कि कई बार हम बोल देते हैं ना कि हम मनुष्य तो हैं, हम इंसान ही तो हैं। बहुत सी गलतियां हमारे जीवन में हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? प्रभु यीशु मसीह ने तो सब करके दिखा दिया, वो भी देह के रूप में इस पृथ्वी पर रहा। 30 के बाद यानी 3.5 तक उसने परमेश्वर का प्रचार किया, सेवा की। उस 30 तक प्रभु ने किस तरह से अपने आप को पवित्र बनाया? कोई चीज हमारे लिए कठिन नहीं है प्रियो, लेकिन हम अपनी आदतों के गुलाम हैं। हमें मालूम है ये सब चीज गलत है जो हम कर रहे हैं, लेकिन हम उसके गुलाम बन चुके हैं, उसको हमें छोड़ नहीं सकते। लेकिन प्रभु ये कह रहा है कि मेरे योग्य वही है और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले वही हैं जो पवित्र है। और परमेश्वर ने यहाँ पर
खुले रूप से कह दिया कि पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और मैं उन्हीं से प्रसन्न रहता हूं जो पवित्र हैं, जो इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने आप को मेरे लिए पवित्र बना रहे हैं। क्योंकि मेरे प्रिय आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब अपनी दुल्हन को लेने आएगा तो हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, और अगर हम पवित्रता का जीवन व्यतीत नहीं कर रहे तो क्या वो हमें ले जाएगा। इसलिए प्रभु ने पहले से कह दिया कि पवित्र बनो जैसे कि मैं पवित्र हूं। एक और वचन को हम देखेंगे जिसमें प्रभु ये बता रहे हैं कि मेरे योग्य कौन है या मेरे भाई बहन कौन है। पहला योहन्ना उसके एक अध्याय के 9वें पद में लिखा है, द पर्सन हु कन्फेस, यानी जब हम अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं वो भाई व बहन परमेश्वर के योग्य है, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न रहता है। और पहला योहन्ना एक अध्याय के 9वें पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पहले तो हम अपना पाप ही स्वीकार नहीं करते, छोटी से छोटी गलती में झूठ बोलते हैं, जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, जानते हैं कि जो बात कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं वो परमेश्वर के विरोध में है, लेकिन हम उसका अंगीकार नहीं करे, स्वीकार नहीं करे। सबसे पहली बात तो मेरे प्रियो इस बात को समझने की है कि अंगीकार का मतलब क्या होता है। अंगीकार, अंग द्वारा स्वीकार करना, अपने मुख से बोलकर स्वीकार करना। कभी क्या 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 होता है कि मन ही मन में बोलते हैं, लेकिन नहीं प्रियो, हमें अपने मुख से अपने परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेना है। जब उस स्त्री पर पत्थरवाह किया गया, परमेश्वर तो क्षमा करने के लिए अभी तक हमारे साथ तैयार है, लेकिन हम कम से कम अपने पापों को अंगीकार तो करें, पापों को माने तो सही। लेकिन मनुष्य में ऐसी बात ही नहीं कि वो अपने पाप को स्वीकार करे। कई बार हम देखते हैं ना, आपस में भी कभी लड़ाई झगड़ा, किसी बात पर वाद विवाद हो जाता है, लेकिन हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। लेकिन वचन ये कह रहा है कि मेरे माता पिता भाई बहन वो हैं जो अपने पापों को मान ले, पाप का अंगीकार कर ले, जो स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चले। इसी तरह से आगे हम पहले थिस्सलुनीकियों उसके 2:12 में हम सीखते हैं चाल चलन, परमेश्वर हमारे जीवन का चाल चलन कैसा चाहता है, जैसा कि भी पढ़ा, पवित्र चाहता है, जिसमें लिखा है 1 थिस्सलुनीकियों 2:12 में कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कि हमारा चाल चलन जब परमेश्वर के योग्य है तो वो हमें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। इससे कितनी अच्छी बात हम सीख पाएंगे कि जब हमारा चाल चलन पवित्र होगा, अपने पापों को हम मान लेंगे, अपना क्रूस उठाकर हम चलने के लिए तैयार होंगे, और सबसे पहले अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे, तो परमेश्वर हमें अपने राज्य में, अपनी महिमा में बुलाने के लिए तैयार है। हालेलुया। और इसके बाद हम एक और वचन सीखेंगे नहेम्याह उसके 1:5 में कि परमेश्वर के योग्य कौन है, परमेश्वर स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलने वाला कौन है। द पीपल हु ओबेज, ओबीडियंट, आज्ञा मानने वाला। नहेम्याह पहला अध्याय 5वें पद में लिखा है, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। प्रेज द लॉर्ड, आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर
करुणा करता है। धन्यवाद ईश्वर राजा, थैंक यू लॉर्ड। इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि आज्ञा कौन मानता है। हम अपने परिवार में देख सकते हैं कि हम एक दूसरे को की आज्ञा मानते हैं, कहना मानते हैं। कहना वही मानेगा जो प्रेम करेगा, यानी जो प्रेम करता है वही आज्ञा मानता है। हम एक दूसरे की इच्छा को जानते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानते हैं परिवार में, कि हमारे मम्मी पापा को क्या पसंद है, हमारे बच्चों को क्या पसंद है, पति पत्नी को एक दूसरे की पसंद के बारे में मालूम है, और हम उस बात को करते हैं। इसका मतलब हम उनसे प्यार करते हैं, तभी उनकी जो नई चीजें पसंद है उस चीजों को हम पूरा करते हैं। तो यदि हम कोई भी गलत कार्य करते हैं, जैसे कि वचन अभी हमने सीखा कि हमारा चाल चलन कैसा हो, हम पापों का अंगीकार करें और अपने आप को पवित्र बनाएं, अपना क्रूस उठाएं, अगर हम ये सब बातें नहीं करते जो परमेश्वर वचन के द्वारा हमें बता रहे हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। इसलिए पिता ने यहां पर वचन के द्वारा बता दिया है कि जो आज्ञा मानने वाले होते हैं वो मुझसे प्रेम करते हैं, और उन आज्ञा मानने वालों के विषय में परमेश्वर कह रहा है कि वो उनके साथ अपनी वाचा को पालता और उन पर करुणा करता है। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन और मैं आपके सामने बांटूंगी जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि परमेश्वर के योग्य कौन है। परमेश्वर यीशु मसीह किसे अपना भाई बहन कह रहे हैं, किन्हें वो अपने भाई बहन व माता पिता कह रहे हैं, जो स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलते हैं। और पिता की इच्छा क्या है? लूका रचित सुसमाचार उसके 9:62 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर किन्हें कह रहा है? हु डजंट टर्न बैक, हु डज नॉट टर्न बैक। यानी यदि एक बार हमने परमेश्वर की सेवा कार्य के लिए बीड़ा उठा लिया है, अगर हमने हल पर हाथ रख लिया है, तो हमें पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं। अगर हम परमेश्वर की सेवा कार्य के लिए निकल पड़े हैं, परमेश्वर को स्थान हमने अपने जीवन में दे दिया है, तो कितनी भी परेशानियां मेरे अजीजों जीवन में आए, हमें उसे देखकर घबराना नहीं। उस आंधी वाले वृतांत को आप जानते ही हैं, पढ़ते हैं, सुन चुके हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में उतारना सबसे पहले जरूरी है। चाहे कठिनाइयां विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आए, जब वो आंधी को शांत कर सकता है, तो ये विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में क्या ही है। जहां प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, तो कोई भी विपरीत परिस्थितियां हमारा कुछ नहीं कर सकती। और दूसरी बात, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि इस पृथ्वी पर जब तक हम जीवित हैं, प्रभु यीशु राजा हमारे साथ है, इस संसार के अंत तक वो हमारे साथ है, इन परिस्थितियों को कंट्रोल करने वाला वही है। चाहे कितने दुख आ जाए, कितनी परेशानियां आ जाए, आप सभी भाई बहन इस बात को अपने जीवन से समझ सकते हैं कि हम जरा सी भी परेशानी आती है, बस परिवार में अगर कोई भी बीमार क्यों ना हो गया हो, बच्चा अगर बीमार हो गया, वहीं हम हाथ पैर छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर से के कार्यों को छोड़ देते हैं। अगर परिवार में एक जन बीमार है तो पूरा परिवार घर में बैठ जाएगा, लेकिन चर्च नहीं जाएगा, कहीं प्रेयर मीटिंग नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसी घड़ी आपको बहुत जरूरत, अर्जेंट वर्क आ जाए, लेकिन हम मनुष्यों ने तो अपने जीवन में अर्जेंट वर्क अपने पर्सनल बातों को रख लिया है, परमेश्वर को हमने स्थान ही नहीं दिया। लेकिन यदि हम परमेश्वर कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए आगे निकल पड़े हैं मेरे प्रियो, तो पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर इसीलिए भेजा है ताकि हम उसकी सेवा कार्य में निरंतर लगे रहे। और उस मत्ती 28:18-19-20 पदों को अपने जीवन में उतार लें। प्रभु यीशु मसीह की वही अंतिम आज्ञा रही है
कि हमारा कार्य क्या है। आज हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इतने वचनों के द्वारा हमें स्पष्ट करा, समझाया कि हम किस तरह से स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चल सकते हैं। कि आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को देखकर कह सके कि यही है जो मेरे माता, मेरे भाई व बहन है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन में यदि किसी बात की घटी है, उसको प्रभु यीशु राजा के हाथों में सौंप दे। अपने जीवन की प्रभुता, अपने जीवन की अधीनता यीशु के हाथों में सौंप दे। वही है जो हमें हर विपरीत परिस्थितियों से निकालने वाला है। इसलिए लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 36 पद में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, इसे जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमीन। और जबकि हम इस धरती पर रहते हुए परमेश्वर के योग्य बनने की प्रयासरत रहे, परमेश्वर से मांगे, वही हमें अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करेंगे। बस हमारी इच्छा यही होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के नजदीकी में दिन प्रतिदिन बढ़े, अपने आप को पीछे रखें, परमेश्वर को आगे रखें। लेकिन योग्य तो केवल एक ही है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के 12 पद में लिखा है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु हम सब भाई बहनों को प्रभु आशीष दे और अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करें कि जो आज हमने प्रभु के वचनों के द्वारा सीखा कि हम किस तरह से परमेश्वर की इच्छा पर चल सकते हैं, ताकि यीशु राजा प्रभु हमें देखकर ये कह सके कि यही है मेरे माता, यही है मेरी बहन और यही है मेरे भाई। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए खुदावन, कि प्रभु जी आपने ये सुंदर समय दिया, ये सुंदर वचन दिए जो खुदावन यीशु मसीह आज आपने अपने तमाम बेटे और बेटियों को प्रभु जी समझाया कि यदि हम आपकी इच्छा पर चलें, यदि हम आपकी इच्छा पर चलें तो हम आपके योग्य बन सकते हैं। जिस तरह से यीशु मसीह ने अपनी माँ मरियम, अपने भाइयों का इनकार किया कि कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई, खुदावंद यीशु मसीह प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन में प्रभु जी वो समय आने ना दें कि प्रभु हमें ये कहे कि कौन है मेरी माता और कौन है भाई व बहन, बल्कि पिता यीशु राजा आज वचनों के द्वारा खुदावंद यीशु राजा जो हमने सीखा उसे अपने जीवन में प्रभु जी हम अप्लाई करने वाले बन सके। आपको हम धन्यवाद देते कि प्रभु जी इन वचनों के द्वारा खुदावंद आपने हमें समझाया व सिखाया। प्रभु यीशु राजा हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन, अपनी सामर्थ्य हमें परिपूर्ण करना, अपनी बुद्धि से हमें परिपूर्ण करना, ताकि खुदावन यीशु मसीह अगर जीवन में हमारे किसी तरह की कोई भी घटी कमी पाई जाती है जो आज हमने वचनों को सुना, वचनों को पढ़ा, वचनों को सीखा, यीशु राजा अपनी तमाम जीवन की कमियों को, घटियों को हमें आपके हाथों में सौंपते हैं, ताकि खुदावन आपके लहू के द्वारा खुदावन यीशु मसीह हम साफ होने वाले बन सके, शुद्ध हो सके। और जिस तरह से प्रभु जी आपने हमें सिखाया कि तुम भी पवित्र बनो जैसे कि मैं पवित्र हूँ, प्रभु जी हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावंद आप हमारे साथ बने हैं, खुदावंद पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावंद धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह आपके दास के लिए, पास्टर इमैनुअल मॉर्गन जे के लिए, खुदावंद कि अपने अपने दास को इस बात के लिए ठहराए खुदावंद कि आपका प्रचार भरपूरी से पिता परमेश्वर, जो ये साधन खुदावंद केवल आप ही ने दिया है, खुदावंद यीशु मसीह आपके दास के द्वारा आपकी सेवा कार्य प्रभु जी अधिकाई से और भी बढ़ने वाला बन सके पिता। और जिस तरह से पिता परमेश्वर आपने मत्ती 28:18-19 पद को यीशु राजा हम सबको पिता अंतिम आज्ञा के रूप में दे दिए खुदावंद, हर जन खुदावंद यीशु मसीह इस बात को सीखने वाला बन सके खुदावंद कि हमें भी प्रभु जी एक बड़ी सेना के रूप में खुदावंद आपके कार्यों के लिए तैयार होना पिता, ताकि पिता परमेश्वर आपका वचन जल्द से जल्द पूरा होने वाले बन सके कि हर एक घुटना आपके सामने टिकेगा और एक जीभ आपका अंगीकार करेगी। धन्यवाद खुदावंद यीशु मसीह इस
सुंदर समय के लिए पिता, और धन्यवाद देते हो पिता मेरे लिए भी खुदावंद यीशु मसीह, जो प्रभु जी मैं बोलने में प्रभु जी बहुत ही कमजोर थी खुदावंद, लेकिन यीशु राजा आपने मुझे सामर्थ्य परिपूर्ण किया खुदावंद, वो प्रभु जी कार्य प्रभु जी, वो काम प्रभु जी आपने मेरे दिल में इस प्रकार से डाला पिता कि मैं आपके वचनों का प्रचार भरपूरी से प्रभु जी हर जगह करने वाली बन सकूं खुदावंद। अपने परिवार को यीशु राजा आपके हाथों में सौंपती हूँ, पास्टर इमैनुअल मॉर्गन जी के परिवार को आपके हाथों में सौंपती हूँ, और जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ इस समय जुड़े हैं खुदावंद, हर एक के परिवार को यीशु राजा आपके हाथों में सौंपते पिता, हर एक जन को आप संभालना और अपने वचन को अपने जीवन में हम उतारने वाले बन सके ऐसे सामर्थ्य हमें परिपूर्ण करना, और जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर ऑफलाइन आपके वचनों को सुनते खुदावंद प्रभु जी भरपूर से खुदावंद अपने अपने जीवन को आपके योग्य बनाने वाले बन सके पिता, हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं, आमेन आमेन आमेन। आप सबको जय मसीह की, जय मसीह की।